मैडम थोड़ा पूछो ना मैडम, नम्रता जेल में रहते नहीं, जेल में रहना बहुत कठिन के साथ रहना पड़ता है। आवाज कमी, जेल की संकल्पना बनाई गई, लेकिन अब आया हूँ। लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया। मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ। आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा। कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे। आज सुबह शरद पवार साहब का फोन था, वो भी बीमार है, लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है, तो मैं पवार साहब से जाकर लूंगा। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, अभी अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फोन चल रहा था। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल रहा है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके हाथ में सवाल भाई काम आते। लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, आपने भुगतना, मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास में कभी न थी। नम्रता मैडम, हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल विनेता की राजनीति हमने देखी है। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूंगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है, उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब उन्होंने मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था, और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है, खास करके हाउसिंग जो है गरीबों के लिए घर देने का फैसला, माड़ा को अधिकार देने का फैसला हमारी सरकार ने वो अधिकार छीन लिए थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन माड़ा रोड को वापस अधिकार देने का फैसला हमने सर ने लिया है, मुझे अच्छा लगा। ऐसे बहुत से निर्णय सरकार होती है, अच्छे निर्णय का स्वागत होना चाहिए। सर जेल में किस तरह से समय बिताते थे, क्योंकि पीछे आपकी तबीयत खराब हो गई, जेल में बिताते थे सर आप? तबियत मेरी जेल में भी खराब थी, अभी भी खराब। नम्रता मैडम थोड़ा पूछो ना, मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं होती, जो दीवारें होती है जेल की उससे बात करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी दीवारें होती है, तो बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है, एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य तिलक मंडाले में 6 साल से ज्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी ना कभी जेल में जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। देखिए, अगर किसी को गलत इल्जाम में जेल भेजा जाता है तो गलती हो, वो गलती है किसी की, मैं नहीं मानता हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ।
अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है न्याय मंदिर जिसे सर आजा उद्धव ठाकरे शरद पवार जी से मिलने वाले हैं। डेफिनेटली मिलूंगा मैं। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरे परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं। तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं दो चार दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ, उनको जरूर मिलूंगा। सर मराठी मध्ये सांगा सर, 103 दिवस मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देखिए, मैं लगता है कि राज्य का जो कारोबार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आदमी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। और जो मेरा काम है सरकारी वो उनके डिपार्टमेंट में। पण ज्यांनी निश्चित सोडली त्यांचं काय होणार? मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृहमंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो रहा है।